जिया खत प्रस्तुत करिबे किपरि जैविक बर्ज्यवस्तु और गोबर खतर मिश्रण को जिया एक खतरे परिवर्तन करे एवं जहाँ को आम जिया खत कही था। जिया खतरे साधारणतः 1.68% जबक्षारजान 0.23% फस्फरस 1.26% पटास 112 पीपीएम दस्ता 48 पीपीएम तंबा 397 पीपीएम मांगानीज और 3323 पीपीएम लौह अंश रही था। जिया खत प्रस्तुत करने आंशिक छाई पाउथिबा और अधिक आर्द्रता थिबा थंडा परिवेश मध्यरे एक उच्च चट्टाण मनोनीत करते से चट्टाण उपरे जैविक बर्ज्यवस्तु जथा घास अदरकारी पनीपरिया अथवा अन्यान्य जैविक वस्तु सह गोबर मिसई रखंतु। एही सबु 15-20 दिन मध्यरे सढ़िजिबा परे एथिरे 500टी जिया छाड़ी दियंतु। ता उपरे अखा किंबा किछि अळिया घोड़ेई दे समय समय रे पानी सिंचन करंतु। एहा द्वारा तापमात्रा कम रहे एवं जलीय आर्द्रता जोगु जिया माने सक्रिय रहंती। जलवायु तथा जैविक बर्ज्यवस्तु को निर्भर करी प्राय 75-90 दिन मध्यरे जिया खत प्रस्तुत हो जाए। प्रस्तुत होता जिया खत को एकाठी गदा करदे 2-3 घंटा मध्यरे जिया माने खत गदार तल अंश को चली जाती एवं एही जिया माननकु नै अन्य एक अधासढ़ा जैविक सज्जारे छाड़ीदे से माने पुणी सक्रिय हो उठती। एबे एही जिया खत को खरारे सुखाई ताकु चालुनी रे चलई पैकेट करी रखंतु। ईटा किंबा सीमेंट रे तयारी टांकी रे जिया खत प्रस्तुत करिबा बहुत भल। एथिपाई 3 मीटर गुणन 1.5 मीटर गुणन 0.7 मीटर रो एक टांकी तयारी करंतु। टांकी रो चटाण सामान्य गडाणिया हेबा उचित। टांकी रो कांथ 15 इंच ओसार हेबा सह उभय पार्श्व पलस्तरा हेबा उचित। एही कांथर उपर भागरे 2 इंच ओसारर पानी भर्ती नाळ रहिबा द्वारा पिंपुडीर प्रवेश को प्रतिरोध करा जाई पारिबो। खरा वर्षारु रक्षा करिबा पई उक्त टांकीर उपर छाउणी हेबा उचित। एबे ए टांकी रे जैविक बर्ज्यवस्तु और गोबर मिसई 15-20 दिन पर्यंत सढ़िबा को दियंतु। सेथिरे 500-1000 टी जिया छाड़ी जिया खत प्रस्तुत करंतु। एबे लक्ष्य करा जाउछि केही केही कृषि उद्योगी एही जिया खत प्रस्तुत करी ताकु विक्रय करी लाभवान होई परुछंती।